खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। ये बताइए, ये जो नौजवान यहाँ पर बैठे हैं और तमाम लोग जो इस प्रोग्राम को देखेंगे, नौजवानों को बहुत फीडबैक आता है, वो क्या समझें? क्योंकि नेता तो उनके सामने है नहीं गुस्सा निकालने के लिए, सामने है पुलिस वाला। और हम बड़ी अच्छी स्टोरी कराई हुई हम देख रहे थे कि कैसे जीप जनता को देखकर भागती है, रुकती नहीं है, क्योंकि ये जनता हमको अटैक करेगी, क्या करें? देखिए, बहुत सारी समस्याएं जो हम आज जिनसे हमें निपटना पड़ता है, जिन्हें हम झेलते हैं, वो समस्या कुछ राजनीतिक कारणों से होती हैं। आक्रोश तो उनका होता है, राजनीतिक स्तर पे क्या फैसला लिया गया सिस्टम के खिलाफ, और पुलिस उसी सिस्टम सरकार के है। सरकार ने कोई फैसला लिया जी, कोई बिल पास किया या कोई और फैसला लिया, उस पे नाराजगी होती है। जैसे अब वो नाराजगी वो निकालने के लिए प्रदर्शन करते हैं, जुलूस निकालते हैं और प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स का उल्लंघन करते हैं, इत्यादि इत्यादि। अब सवाल यह है कि व्यवस्था बनाने के लिए सरकार की तरफ से और तो कोई एजेंसी है नहीं, पुलिस को सामने भेजा जाता है कि साहब स्थिति को नियंत्रण करिए। कभी कभी ऐसे मौके होते हैं जब जनता का आक्रोश जनता के हिसाब से सही है और वो ये समझते हैं कि आखिर ये पुलिस कर्मी हमारे खिलाफ क्यों एक्शन ले रहे हैं, उन्हें तो अपनी नाराजगी दिखानी है। राज्य का प्रतिनिधित्व ऐसे मौकों पे पुलिस बल करता है। जब पुलिस मौके पे रहती है तो वो पुलिस के रूप में नहीं बल्कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट, उसके रूप में, और स्टेट पे उनका गुस्सा है, स्टेट पे गुस्सा है। अब वो गुस्सा कैसे निकाले, या तो उन्होंने बस जला दी, ये कि सरकार की बस है, सरकार की बस नहीं मिली कहीं रेल की पटरी उखाड़ दी, और अगर पुलिस कर्मी उनको नियंत्रण करने गए तो उन्होंने समझा कि ये राज्य का प्रतिनिधि है, इस पर फिर हमला करते हैं। ये उस एस्टेब्लिशमेंट का चेहरा है जिससे वो नाराज है। हाँ, तो अटैक इसको करो, तो इसी को अटैक करते हैं वो।